ईशा अरमान का रेट्रो रोमांस। पार्टी में रोमांस बाय चांस। कलर्स के सीरियल तेरे इश्क में घायल में टीवी के दो भेड़िए यानी कि अरमान और वीर ने अपने घर में रखी है रेट्रो पार्टी, जहां पर उन्होंने सभी भेड़ियों को बुलाया है और साथ ही इस पार्टी में आई है ईशा भी, जिससे अरमान करते हैं बेइंतहा मोहब्बत। इसीलिए तो देखिए कैसे इस पार्टी में उन्होंने थाम लिया है ईशा का हाथ और दोनों फरमा रहे हैं प्यार इश्क और मोहब्बत। जी हाँ, रेट्रो थीम है, एक पार्टी है जिसका थीम पूरा रेट्रो है, सो या हियर आई एम। इस पार्टी के लिए मैंने तो नहीं, पर ईशा ने और हमारे क्रिएटिव्स ने एक बहुत ही क्यूट सा, यू नो, विद लॉन्ग बूट्स, एक रेट्रो लुक चूज़ किया है और ये इट्स स्टाइल्ड बाय अनुराधा एंड ये जो बैंग्स है, आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ एडिंग द मोस्ट टू द होल लुक। और या बाकी अब मैं खुद की तारीफ क्यों करूँ, अब आप लोग मेरी तारीफ करें तो अच्छा लगेगा। यहाँ अरमान ईशा की खूबसूरती में खो गए हैं और उनसे प्यार भरी बातें करने में बिजी हैं, तो वहीं दूसरी ओर वीर भी बिजी है ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो कौन सा भेड़िया है जो ईशा पर हमला कर रहा है और उसे मारना चाहता है। वैसे ये पूरी पार्टी इसीलिए तो रखी गई है ताकि उस भेड़िये का ये रुख पता लगा सके। मोटिव ये है कि हमें एक भेड़िए को ढूंढना है जो मुझ पर अटैक कर रहा है, और एक भेड़िए को ढूंढने में मैं बाकी दो भेड़ियों की मदद ले रही हूँ जो कि है वीर और अरमान। तो हम तीनों मिलके एक भेड़िए को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है। भाई हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस पार्टी में वीर और अरमान ईशा के हमलावर का पता लगा लें और उसे सबक सिखा दें। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।